प्रदेश के बरेली से दहेज लोभियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपनी मांगे पूरी ना होने के चलते लड़की पक्ष को शादी ना करने की धमकी दे रहे हैं। ताज़ा मामला बरेली का है, जहां दूल्हे ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की। जैसे तैसे लड़की के घर वालों ने रुपए इकट्ठे किए, लेकिन जैसे ही इस बात की खबर लड़की को लगी तो लड़की ने शादी वाले दिन ही शादी से इनकार कर दिया और दूल्हे और उसके घर वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब लड़की पक्ष की यही मांग है कि इन दहेज लोभियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना इज्जत नगर के परतापुर चौधरी का है, जहां दूल्हे राजा को दहेज में बुलेट गाड़ी मांगना पड़ गया महंगा। दहेज की बढ़ती डिमांड को देखते हुए दुल्हन ने शादी से किया इनकार। लड़की के पिता ने जैसे तैसे करके रुपये का बंदोबस्त किया और गाड़ी भी बुक करा दी, पर दूल्हे राजा कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो गाड़ी तुरंत ही चाहिए थी। पर जैसे ही लड़की को पता चला कि उसके पिता उसकी शादी में दहेज में बुलेट देने के लिए परेशान नजर आ रहे हैं, तब बरेली की बहादुर बेटी ने दहेज लोभियों को सबक सिखाते हुए दहेज लोभियों को बिना दुल्हन के ही वापस लौटा दिया। बरेली की बेटी का कहना है कि वह ऐसे शख्स से निकाह नहीं करना चाहती जो दहेज लोभी हो। वह लड़की के निकाह करने से मना करने से दूल्हे राजा, जिसका नाम जीशान पिता छोटे लाल निवासी सनहुआ सीबीगंज, को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया और अपनी किस्मत को कोसते हुए बिना दुल्हन के ही घर वापस जाना पड़ा। चलो चलो, क्या नाम है आपका? क्या मामला है, ये कैसा? आज मेरी शादी है। अच्छा। क्या नाम है? जैसे लड़के वाले दहेज में बुलेट मांग रहे हैं, तो बुलेट का जैसे मेरे पापा ने कहीं से भी जैसे कर दिया, बुक भी हो गई दहेज में, मगर वो निकल नहीं पा रही लॉकडाउन की वजह से। मगर लड़के ने दो दिन पहले फोन करके कही कि अगर बुलेट नहीं मिली तो मैं शादी नहीं लेकर आऊँगा, और क्या नाम है, या मुझे कैश दो। तो फिर हम अभी मुझे पता चली जैसे कि मेरे पापा ने ये सब ने दहेज में पैसे करे होंगे जैसे, मगर मैं उस लड़के से शादी करूँगी नहीं। तो आप क्या चाह रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई चाह रही है? कार्रवाई हो उस पर जरूर। और लड़कियों को अपनी ऐसी क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है, ऐसे लालची लोगों से कभी शादी ना करें। मैम कितने टाइम से रिश्ता हुआ है आपको? 8 महीने हो गए, 8 महीने से आप उसको लगी। तो अब आप करने के ना, ना। आप क्या नाम है? साहिल। ये लड़की कौन है आपकी? अच्छा, तो क्या मामला है इनका, कैसा परसों गए तो वो कह रहा है तब लौट नहीं है, दहेज नहीं लेंगे अभी। अच्छा, लड़के ने आपसे ये बात कही? हाँ, लड़के और उनकी माँ। आपका क्या नाम भैया? संदीप। आप कौन है लड़की के? अच्छा अच्छा, क्या मामला है आपको? ये कल हम परसों गए थे कहाँ से लेके वहाँ पर। अच्छा, तुमने नाश्ता पानी कराया, फिर खाने का टाइम जो आया, वो लड़का बोला है भाई गाड़ी का इंतजाम हुआ नहीं हुआ, तो मैंने कहा भाई जान गाड़ी तो बुक कराए रखीजिए, अभी मिल नहीं रही। अच्छा, तो बोले फिर तो उनका ये काम ही नहीं हुआ अभी तक, और अगर गाड़ी दहेज पर नहीं हुई तो मैं दहेज वो दहेज नहीं जाएगा ना, मैं सेरा बांध के आऊँगा। माँ बोली हम फिर चाय से शादी नहीं करेंगे।